तूने तो फैमिली बदल ली 2 दिन में। हमने 360 कैमरा ले लिया है फाइनली। खोलो। तो बॉडी बीच से सुबह में आया था गाइस, घर जाके मैं सो गया, इतना थक गया था क्योंकि बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया था। तो उठा तो पैर दुखने लग गए, तो याद आया कि कल मैंने लेग्स लगाए थे जिम में, वो भी बहुत दिनों बाद, तो अभी भी चलते नहीं बन रहे। तो आज संडे था तो कुलदीप भी आया था, आज बुलाया था एक्स्ट्रा टाइम के लिए, तो संडे को भी काम किया उसने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग वर्क हो रहा था। और मैं अब भी आया हूँ जस्ट, और लगभग 6 बज गए हैं, तो वो कुलदीप तो चला गया है और मैं भी जा रहा हूँ अभी बस, कल वापस यहाँ शॉप आना है। और गाइस हिमालयन का एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ। देखो बाइक ना 100-110 से ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ती है, जो कि मेरे लिए तो बढ़िया है, स्पीडिंग मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है, लेकिन कंफर्टेबिलिटी के मामले में इतनी प्यारी है ना बाइक, मतलब 130 किलोमीटर है मुंबई से बोर्डी, तो बिना रुके हम सीधा वहां से यहां वापस आ गए भी थे, बस पेट्रोल भराया था और आए भी बिना रुके, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दूसरी बाइक होती तो दिक्कत आ जाती है, मतलब 50 किलोमीटर के बाद एक गैप लेना पड़ता है, ब्रेक लेना पड़ता है, लेकिन हिमालयन इतनी कंफर्टेबल है, सही बाइक ले ली मैंने। और ऑफ रोडिंग के लिए तो पता ही, आपको तुंगारेश्वर का व्लॉग आपने देखा ही होगा, तो वहां पर जो जाने का रास्ता है पहाड़ के ऊपर, बहुत ही ज्यादा खतरनाक था भाई वो, तो मतलब एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग था वो, लेकिन हिमालयन के कारण मतलब इतना इजी हो गया, मतलब मुझे खुद का भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, खुद पर भी और हिमालयन पर भी, कि अपन और ज्यादा अच्छे से ऑफ रोडिंग कर सकते, क्योंकि वो तो बहुत आराम से, मतलब उसने ऊपर चढ़ गई वो आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसको, तो सही बाइक लिए, सही डिसीजन था। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से घर, कल वापस आते हैं और आज घर जाके आराम करते हैं, क्योंकि पैर भी दुख रहे हैं, थक भी गया हूँ मैं बहुत। थक मैं इसलिए गया, हिमालयन के कारण नहीं थका हूँ, थक मैं इसलिए गया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी भाई मुंबई में, बहुत गर्मी है अभी, और जून स्टार्ट हो गया है लेकिन बारिश आने वाली है अभी, तो गर्मी के कारण थका हूँ मैं। चलो घर चलते हैं। सो गाइस अभी 2-3 दिन से ज़्यादा व्लॉग नहीं किया मैंने, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और पेंडिंग काम है शॉप पे, तो व्लॉगिंग नहीं कर पाया, तो पिक्सी को मैं आज वापस लेने जा रहा हूँ। 3 दिन हो गए वहाँ पर, पिक्सी को छोड़ने गया था जब भी, और अभी वापस 3 दिन बाद लेने जा रहा हूँ, व्लॉग ही नहीं कर पा रहा हूँ, पिक्सी को लेने चलते हैं। प्यार कर रहे ना, अभी जान गए। अरे वाह, आगे बहुत लाड़ी है इसने। हाँ मिलो बच्चा, बच्चो बहुत एडोरेबल है यार। हाँ अरे बहुत अच्छी है, अभी तो ये भी अच्छा लग रहा है पापी। अभी मिस करेंगे एक दूसरे को ये दोनों, पहचान गए। हाँ पॉपी, मेरे को तो इसके लिए बुरा लगता है, ये बेचारा अकेले रह जाता है। हाँ, मैं कल पता है अरे वाह, इन दोनों को ना मस्ती करते हुए देख के ना, ये क्या कर रही थी कि ये पूरे घर में ना एकदम दौड़ती है। हाँ। हाँ, और ये देख रहा है ये क्या कर रही है। ये भी बचपन में ऐसे ही करता था, तो ये छोटी है ना अभी। हाँ कितने साल की है? 2 साल की है, अभी अगस्त में हो जाएगी 2 साल की। हाँ तो इसलिए बहुत बचपन आ गया इसका, बड़ा हो गया है। पिक्सी चलें घर चलें, चलें घर। हाँ, साथ में पूरा दिन रहते होंगे। हाँ, चलो देखते पिक्सी आती है कि नहीं हमारे साथ। चलो पिक्सी, पिक्सी चलो चलो, आजा बच्चू, आजा आजा, नहीं आना, चलो बैग में, घर चलते चलो, नहीं आना। अरे नहीं आना, अरे पापा के पास नहीं हो, पापा को छोड़ के नहीं जाना। अरे गाइस ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो आई नहीं रही है पिक्सी। व्हाट यार, दोनों का देखो ना साथ में बैठे कितने प्यारे हैं। हां स्वैग, दोनों साथ में एक जैसे बैठे हैं। तूने तो फैमिली बदल ली 2 दिन में। मैं पॉपी को लेके जा रहा। हां पॉपी को लेके जा रहा, चलो पॉपी चलो, पॉपी चलो आ जा। पॉपी आप बैठे हो ना एक बार इस बैग में, चलो आ जा आ जा। तो जा ही नहीं रही यार अभी, क्या करे, हद कर दी इस बार तो, ज्यादा ही प्यार हो गया इन लोग को। अरे रोने लग गई क्या? आंख में आंसू आ गए इसको क्या? पिक्सी हाँ, मैं पता कल यही सोच रही थी कि ना इन दोनों को बीच बीच में रखेंगे साथ में कभी कभी। हाँ। तो इनको भी अच्छा लगेगा, पहचानते हैं क्योंकि एक दूसरे को। हाँ दूसरे बिल्ले के साथ ऐसे नहीं रहती। हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं रहती है। मारती वरती है क्या? बहुत मारती है। अब वापस आएंगे अपन, चलो वापस आ जाएंगे, चलो बच्चों वापस आ जाएंगे।
उसके पीछे जाना है उसको। चलो चलो घर चलते हैं, है ना। आज तो इतना लाड कर रही थी ना, ऐसे जैसे बोल रही हो कि मेरे को पापा के पास ही रहने दो। मेरा बच्चा बहुत अच्छी है। देखो मिलने आ गया। बाय गर्ल। सो सैड। अरे यार सैड लग रहा है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, मुझे रोना आ जाएगा। पॉपी हम आएंगे, वापस आएंगे हम। ओके इधर देखो, पिक्सी मायके जा रही है। ओके वापस आएंगे। चिल्लाना शुरू हो जाएगा, परेशान करता होगा ना अकेले में तो। सो गाइस एक बहुत शानदार चीज मंगवाई है आज अमेजोन से और डिलीवर होने वाला है शॉप में। तो सुबह सुबह क्या हुआ, मैंने सोचा पहले शॉप में रुक जाऊंगा मैं और डिलीवरी लेके ही आऊंगा, लेकिन हम गए जिम प्रियंका मैडम और मैं, हमने सोचा उसके बाद जाते, बट वो आया और प्रियंका मैडम का फोन घर पे था जिसमें ओटीपी आया। तो मैंने उसको बोला कि एक ऑर्डर कम्प्लीट करके आ, तब तक मैं ओटीपी लेके आता हूँ। तो मैं शॉप जा रहा हूँ और बहुत प्यारी चीज है गाइस, मतलब एक अचीवमेंट है, और वो मैं शॉप पर लेने जा रहा हूँ, आपको बताऊंगा डिलीवरी लेके आते। चलो तो गाइस स्पेशल पार्सल है, वो आ गया है हमारा 9291699169। ओके थैंक यू सो मच गाइस, धमाका चीज है ये, धमाका चीज। इसको ले चलते हैं घर पे, प्रियंका मैडम के साथ खोलेंगे। पैक्ड है चारों तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलते हैं घर। और मैंने प्रियंका मैडम के बगैर खोला नहीं है। अच्छा? और ये प्रियंका मैडम खोलेंगी। चेक करते ना रिसीव करते टाइम। क्या चेक करते हैं? नहीं उससे कुछ नहीं होता गाइस, अपन जैसे पार्सल चेक करते हैं ना तो मोबाइल की जगह जैसे पत्थर निकलता है, तो भले ही अपन चेक कर लो लेकिन रिटर्न उस टाइम नहीं होगा, हमको वो अप्लाई करना पड़ेगा। हमको बस इतना देखना है कि इसका कुछ फटा तो नहीं है आइड साइड का, बस ये देख लेना है। तो अभी क्या करना है, प्रूफ के लिए खोलते टाइम हमको वीडियो बनाना है बस इसका एक। और हाँ ये करो, चलो स्टार्ट। जय श्री गणेश आय नमः। वाओ वूहू इंस्टा 360x3 गाइस, हमने 360 कैमरा ले लिया है फाइनली, और अभी मस्त अच्छे अच्छे नए नए एंगल से व्लॉग्स करेंगे। मस्त है, इसको खोले। हाँ, अनबॉक्सिंग गाइस। अनबॉक्सिंग तुम करो। चलो उसमें बोलना पड़ता है स्पेसिफिकेशंस, मेरे को आता नहीं है डिटेल। अरे स्पेसिफिकेशन मैं बता दूंगा, तुम ओपनिंग करो इसकी। चाकू से? कैची है ना अपने पास, कैची। चाकू से ओपनिंग। हाँ और होप कि इसमें पत्थर ना निकले गाइस। तो आराम से आराम। अच्छा, अरे सील्ड तो ऐसे ही हो जाता है, नकली सील भी लगा सकता है कोई भी, सील करने में कोई दिक्कत बड़ी वाली बात नहीं है। 1 2 3 खोलो। गाइस प्रीमियम क्वालिटी 360 कैमरा। गाइस ये देखने में ही ऐसे मतलब महंगी चीज लग रही है देखने में। सो गाइस इसके बॉक्स में सबसे पहली चीज आई है इसका ये कवर, और दूसरा USB-C टाइप चार्जिंग केबल। तो इससे हम आई थिंक डाटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, आई डोंट नो, बट चार्जिंग कर सकते हैं मोबाइल चार्जर से, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और हैवी भी बहुत सही चीज है। तो यार हाँ आज दिन भर इसी में जाएगा मेरा लग रहा है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। सो गाइस इसको अभी चार्जिंग पे रख दिया है, और अभी थोड़ा नहाते हैं, पहले जिम से आया, अभी नहाया भी नहीं मैं, खाना भी नहीं खाया, खाना खा के उसके बाद फिर इसको करते हैं ऑन। गाइस हम खाना खा रहे हैं और इनकी स्टाइल देखो, आज बने हैं ग्रेवी और चावल, और इन्होंने ग्रेवी और चावल के साथ चिप्स खाए। ऐसे कौन खाता है भैया? मैं खाता हूँ। और कम मजा आ गया। Every day,